अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, यमी स्टफ विद ललिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पिनव्हील समोसा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को तुरंत बनाकर खा सकते हैं। तो आइए पिनव्हील समोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे एक कटोरी मैदा। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और मैदे को मैंने पहले से ही छानकर अलग कर लिया था। मैदे के अंदर अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ पर थोड़ा सा रगड़ कर डालेंगे जिससे कि इसकी खुशबू और इसका टेस्ट इसके अंदर अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अजवाइन डालने के बाद इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल मोइन के लिए। मैंने इसके अंदर 3.5 छोटे चम्मच तेल डाला है मोइन के लिए और तेल डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और चेक कर लेंगे कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए आप इस तरीके से मुट्ठी बनाकर चेक कर लें। अगर इस तरीके से मुट्ठी बन रही है यानी कि आपका मोइन बिल्कुल परफेक्ट है तो उसके बाद में हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंथ के तैयार कर लें। आटा आपको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, जैसे आप रोटी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके का आटा गूंथ के आपको तैयार करना है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसको गूंथें। ये देखिए थोड़ा सा मैदा हाथ पर चिपक रहा है तो हम इस पर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तेल डालने के बाद में इसको वापस से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल भी हाथ पर या बर्तन पर ये नहीं चिपक रहा है। आटा अच्छी तरीके से स्मूथ और सेट हो चुका है। तो अब हम इसको ढककर रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए और जब तक आटा सेट होता है तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैंने 6 से 7 उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने थोड़ा सा हाथ से तोड़ लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया डाला है जिसको हल्का सा क्रश कर लिया है मैंने। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया। धनिया को भी पानी से 2-3 बार अच्छी तरीके से धो लें और उसके बाद में इसके अंदर मिक्स करें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। मुझे इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च कम लग रही है तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर और डाली है, यानी कि मैंने कुल मिलाकर 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर डाला है। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम 4 टेबल स्पून मैदा ले लेते हैं और मैदे के अंदर अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर एक पतला सा घोल हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालें और इसकी सारी गुठलियाँ आप निकाल लें। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इसके अंदर। आपको घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला घोल तैयार करना है क्योंकि हम इसके अंदर पिनव्हील्स को थोड़ा सा डिप करके फिर फ्राई करेंगे। हाँ तो ये देखिए इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना पतला आपको इसे रखना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का घोल आपको तैयार करना है। तो घोल भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है।
तो एक बार इसको वापस से मैश कर लेते हैं। आटे को अच्छी तरीके से मैश करने के बाद में अब हम इसकी दो छोटी छोटी लोयां बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने दो लोयां बना ली हैं और बचे हुए आटे को हम थोड़ा सा ढककर रख लेंगे ताकि वो सूख ना जाए। लोई बनाने के बाद में अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेते हैं और सूखा मैदा लेने के बाद में एक बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। बीच बीच में अगर ये थोड़ा सा चिपकने लगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दें। तो ये देखिए रोटी को हमने बेल के तैयार कर लिया है तो और इतना पतला मैंने इसको रखा है। तो अब हम इसके ऊपर मसाला फैला देते हैं। आप चम्मच से इसके चारों तरफ अच्छी तरीके से मसाला फैला दें, यानी कि कहीं से भी ये थोड़ा सा खाली नहीं रहना चाहिए। इस तरफ भी थोड़ा सा हम फैला देते हैं। मसाला फैलाने के बाद में अब हम एक बेलन पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और तेल लगाने के बाद में इस पर हल्का सा इस बेलन को घुमा लेते हैं जिससे मसाला इस पर अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और कहीं से भी थोड़ा मसाला ज़्यादा है तो वो फैलकर दूसरी तरफ भी चला जाएगा, यानी कि सब जगह से बिल्कुल बराबर मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मसाला हमने लगा लिया है तो अब हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से आप इस पर चिपका दें और हाथों से इस तरीके से रोल करें जिससे वो नीचे वाला हिस्सा इस पर अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। साइड में से भी इसको अच्छे तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ डाल लें और उसको भी चिपका लें। तो ये रोल तैयार हो चुका है तो अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसको काट के तैयार कर लेंगे। आपको जितने चौड़े पिनव्हील रखने हैं उस हिसाब से आप इसको काट के तैयार करें। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बीच में मसाला और इसके चारों तरफ मैदा दिखाई देगा। तो इसी तरीके से सारे पिनव्हील समोसे बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। सारे पिनव्हील समोसे काटने के बाद में अब हम इसको हल्का सा हाथों से इस तरीके से दबाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे दबाकर तैयार करना है। तो इसी तरीके से हम सारे पिनव्हील समोसों को दबाकर तैयार कर लेंगे और काट के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे पिनव्हील समोसे तैयार कर लिए हैं और देखिए कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है तो अब हम जो ये मैदा का घोल है इसको एक बार चम्मच से वापस हिला लेते हैं और उसके बाद में एक एक करके ये जो हमने पिनव्हील समोसे बनाए हैं इसको इसमें डिप करते जाएंगे और तेल में फ्राई करने के लिए डालते रहेंगे। फ्लेम को मैंने अभी हाई ही रखा है, फ्लेम को मैंने कम बिल्कुल नहीं किया है। जब आप इसके अंदर पिनव्हील समोसे फ्राई करने के लिए डालें तो बिल्कुल सावधानी से डालें, नहीं तो तेल उछल सकता है।
तो हमने इसके अंदर ये सारे पिनव्हील्स डाल दिए हैं। तो अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। एक मिनट तक आपको इसको हाई फ्लेम पे रखना है और एक मिनट के बाद में हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जिससे कि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे। शुरू में हाई फ्लेम रखना ज़रूरी है, क्योंकि शुरू में अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो तेल में डालते ही ये सारी चीज़ें आपस के अंदर बिल्कुल चिपक जाएगी और वापस से अलग नहीं होगी। तो इसलिए शुरू में फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखें एक मिनट, और उसके बाद में फ्लेम को बिल्कुल कम कर लें और लो फ्लेम पर ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करें। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। तो एक टिश्यू पेपर पर इन सारे पिनव्हील समोसों को निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे समोसों को तल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, पिनव्हील समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए कितने खूबसूरत बनके तैयार हुए हैं, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने घर पे बनाकर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।